वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ OTC डिलीवरी डिवाइसेस एंड FiO2 डिलीवर्ड बाय देम। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखेंगे नेजल कैनुला। अगर नेजल कैनुला से हम 1-6 लीटर पर मिनट फ्लो रेट से ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हैं तो हमें FiO2 कितना मिलेगा? तो अगर 1 लीटर पर मिनट से हमने स्टार्ट किया तो हमें 25% FiO2 मिलेगा। अगर 2 लीटर पर मिनट से दिया तो 29%, 3 लीटर पर मिनट पे दिया तो 33%, 4 लीटर पर मिनट से दिया तो 37%, 5 लीटर पर मिनट तो हमें 41% FiO2 मिलेगा और 6 लीटर पर मिनट देंगे तो 45% FiO2 मिलेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें ये ध्यान में क्यों रखना है और हमें ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो इस सवाल का जवाब मैं एकदम आखिरी में देने वाला हूँ। हमारा नेक्स्ट डिवाइस है सिंपल फेस मास्क, जिसका फ्लो रेट हम 6-8 के बीच में रखते हैं, जिससे हमें 35-60% FiO2 डिलीवर्ड होता है। उसके बाद आता है नॉन रिब्रीदर मास्क, उसका फ्लो रेट हम 10-15 के बीच में ही रखते हैं, उससे FiO2 मिलता है हमें 70-90%। और आखिरी में है हाई फ्लो नेजल कैनूला, जिसका फ्लो रेट हम 60 लीटर पर मिनट पे रख सकते हैं, जिससे हमें 30-100% FiO2 मिल जाता है। इसके अलावा वेंचुरी मास्क भी अवेलेबल है, जिसमें अलग कलर कोडिंग के हिसाब से हमें FiO2 डिलीवर्ड मिलता है। वो एक अलग चीज़ है, इसलिए हम उसे दूसरे वीडियो में देखेंगे। रूम एयर में कितना FiO2 मिलता है, मतलब जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट, तो हमें हम 21% FiO2 पे नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। अगर नेजल कैनुला में आप ध्यान से देखेंगे तो 4% FiO2 एडेड अब वो रूम एयर पर लीटर इन नेजल कैनुला, मतलब रूम एयर पे हम 21% FiO2 ले रहे हैं। अगर 1 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला से हम स्टार्ट करेंगे तो हमें 25% मिलेगा। अगर 2 लीटर पे जाएंगे, मतलब और 1 लीटर बढ़ाएंगे तो और 4% FiO2 में बढ़ती हो रही है, तो हमें इजीली ध्यान रखने में काम आएगा। तो जो सवाल आपको पहले रहा होगा कि अभी ये पढ़ना क्यों है, तो अगर हम आप सोचेंगे कि 6 लीटर फ्लो रेट से ही क्यों नेजल कैनुले से हम देंगे, अगर नेजल कैनुला हम 15 लीटर पे कर देंगे तो FiO2 और बढ़ता जाएगा, जैसे कि 7 लीटर करेंगे तो 49% FiO2 मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेजल कैनुला सिर्फ 6 लीटर पर मिनट फ्लो रेट के आगे उसका FiO2 हम बढ़ा ही नहीं सकते। फ्लो रेट हम बढ़ाएंगे फिर भी FiO2 जो डिलीवर्ड होगा वो 45% ही रहेगा। इसलिए अगर हमारा पेशेंट का सैचुरेशन और SpO2 कम आ रहा है तो हम 6 लीटर से ज़्यादा नेजल कैनुला नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि FiO2 फिर भी नहीं बढ़ने वाला, तो हमें पेशेंट को सिंपल फेस मास्क पे ही लेना पड़ेगा, जो कि 6-8 लीटर पे तक है हम रख सकते हैं। अगर पेशेंट का फिर भी सैचुरेशन कम आ रहा है तो हमें उसको NRBM मतलब नॉन रिब्रीदर मास्क, जो कि 10-15 लीटर पर मिनट पे काम करता है, जिससे O2 डिलीवर होता है 70-90%। और अगर पेशेंट का सैचुरेशन एकदम से सही है, मतलब 92 अबो और 95% अबो है, और हमें ऑक्सीजन हम कम कर रहे हैं, अगर पेशेंट नॉन रिब्रीदर मास्क पे है और हमने 8 लीटर पे किया, तो फिर भी FiO2 70-90 मतलब वो मास्क का कुछ यूज़ नहीं आएगा, तो हमें पेशेंट को फिर O2 टेपर करते हुए सिंपल फेस मास्क पे लेके जाना है। और अगर हम 6 लीटर से और कम जाएंगे तो हमें पेशेंट को नेजल कैनुला पे शिफ्ट करना है, तो इसलिए ये सब जानकारी ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसे ध्यान में रखिए और अपने प्रैक्टिकल में इसका पूरा यूज़ कीजिए।